वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी ने देख लिया मेरे पाली का शिवरात्रि और पूजा पाठ सब चीज़। तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ हमारे पाली में लगा हुआ मेला। तो आप बने रहिए वीडियो पे, अभी चलता हूँ फ्रेंड लोगों के पास। मैं तो रेडी वेडी हो गया, तो चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या लगा क्या क्या नहीं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए फाइनली गाइस, हेमंत भैया के घर आ गए, यहीं पर आशीष भी मिल गया। हेलो गाइस, हेमंत भैया गए हुए कुछ, शायद अपना मोबाइल वगैरह भूल गए हैं। तो आपको फिलहाल थोड़ी बहुत साउंड आ रही होगी, ये देखो यहाँ से मेला स्टार्ट है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो पे। ये स्टार्ट हो गया गाइस मेला। अब इधर का तो उस दिन हम लोग फिल्मा लिए थे, तो इधर का तो चलेगा। हेमंत भैया, तो अपन लोग अब चल रहे हैं गाइस मेला। आपको अभी मीना बाजार वगैरह मैं पहुंचता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, आ गए आप पूरा। तो ये देखो गाइस, गुपचुप वगैरह चाउमीन वगैरह का सब स्टॉल लगा हुआ है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, आपको देख सकता है। ये हम नेशनल हाईवे मेन रोड पे आ चुके हैं, तो आप देख लीजिए चारों तरफ से भीड़ है बहुत ही ज़्यादा। अब हम चलते हैं शिव मंदिर तरफ। इधर 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 चला जा कर। बाप रे डेरिंग, आपका वीडियो बनाना चाहिए था मेरे को। डेरिंग देख रहा, दौड़ दौड़ के कूद के आ गए इस तरफ। चलो तो आपको शिव मंदिर का मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ कैसा दिखता है नाइट में। बहुत ही बेहतरीन सजा हुआ है गाइस, तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। फाइनली गाइस, अब हम आ चुके हैं अपना शिव मंदिर। तो देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो आपके पूरा वीडियो मैं आपको और अच्छे से मैं दिखाता हूँ अंदर चलकर, तो आप बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए
गाइस अब चलते हैं हम मेले की तरफ, तो झूला वगैरह झूलेंगे, उसके बाद और भी बाकी कुछ होगा वो आपको मैं लाइन अप करता हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे। चले आशीष, चल भाई, हेमंत भैया को रिंग करना। उस मामले में है लेकिन बाकी चीज में नहीं। तो गाइस अब भीड़ को हम सभी पार करते हुए हेमंत भैया हमारी ढाल। क्यों हेमंत भैया, अबे किधर घुस रहा था मैं? दोस्तों 150 रुपये वाला लेगा, 150 रुपये वाला। तो गाइस हम आ चुके हैं मेले की तरफ, आपको लग रहा होगा पीछे में है शिव मंदिर, और ये रहे हम थ्री इडियट्स। चल भाई, तो व्यापार क्राफ्ट में हम आ चुके हैं गाइस। ये रहा, यहाँ नाना प्रकार की हम लड़कों की चीज़ें नहीं है लेकिन लड़कियों की चीज़ें जरूर मिलेगी यहाँ, तो आपको सब मैं दिखाता हूँ। यहीं से लिया था? अच्छा, यही वाला है। अपन क्या बोल रहे थे, तू वीडियो बना। ये देखो हमारे भैया लोग, वैसे भी आशीष की शादी होने वाली है तो आशीष अभी से तैयारी कर रहा है घर के लिए। क्यों भाई आशीष, शादी की तैयारी चल रही है अभी से? सब हम आ चुके हैं मेले की तरफ, तो यहाँ ब्रेक डांस, ड्रैगन एंड आकाश झूला सभी है। आपको लाइन से मैं सभी चीज दिखाता हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो पे। और ये बार बार खो जाता है।
चल 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 मतलब ना मेरा ले रहे हो कि नहीं। अरे बिल्कुल 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 भाई अरे तो वाला देखे रहे कि नहीं शिव मंदिर वाला दिन के देखबे तो मजा दी। दिखाता हूँ बहुत अच्छे से तो आप देख ही सकते हैं कितना मज़ेदार है गाइस। और हेमंत भैया और आशीष को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसलिए वो लोग नहीं आए तो मैं अकेले आ गया हूँ। तो चलिए आपको और मैं दिखाता हूँ अच्छे से हाई पे जाने के बाद। ये देखिए काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ मैं। अरे मेरे गाइस फाइनली एकदम टॉप में हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आपको दृश्य दिखाता हूँ वो रहा अपना शिव मंदिर। तो चलिए टॉप से अब उतर रहे हैं हमारा झूलना वगैरह तो सब कंप्लीट। आप देख सकते हैं कितना हाई पे हूँ मैं अभी। यहाँ से व्यू बहुत ही बेहतरीन आ रहा है पाली का। तो चलिए जल्दी जल्दी उतरते हैं और भी बाकी झूला वगैरह बहुत कुछ चीज़ है जो कि मैं आपको आने वाले मतलब थोड़ी देर पे आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम उतर लेते हैं एकदम टॉप पे ही हम खड़े हैं मतलब मैं ब्लॉग वीडियो। चलिए गाइस अब हम पहुंच गए नीचे। तो
चलिए बाकी झूला मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी का हेमंत भैया और आशीष तो गए नहीं, मैं अकेले ही खुल के आ गया। तो अब लग गया भूख और हम तीनों 3 डेट जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो क्या खाएगा आशीष? देखते हैं। चल, और हेमंत भैया तो आज के दिन उपास रहते हैं शायद। तो चलिए देखते हैं कुछ खाने के लिए स्पेशल सा, उसके बाद चलते हैं खाने। तो आप बने रहिए वीडियो पे। टिक्किया चाट खाते हैं। डिसाइड किया है क्या? टिकिया आलू चाट, आलू टिकिया चाट ना, आलू टिकिया चाट। तो 3 स्पेशल आलू टिकिया चाट बन रही है अभी। ब्लॉग चैनल है ना मेरा, एक आर्ट चैनल है, एक ब्लॉग चैनल है, तो ब्लॉगिंग करता हूँ। अब हमारे पाली का ही मेला है और इसका ब्लॉगिंग ना हो तो कहाँ बनेगा। सौरभ राय ब्लॉग करके है, आप लोग देख सकते हैं सर्च मार के, सौरभ रॉय ब्लॉग। पेट पूजा तो हो गया तीनों के तीनों का। जो आशीष कैसा लगा खाने में? तगड़ा बना था यार, लेकिन पाव भाजी एंड टिक्किया चाट वगैरह बहुत ही बेहतरीन लगा खाने में। तो चलिए अब ठीक है भाई, बाय बाय। अब सॉरी, अब गन्ना वगैरह पी लेते हैं और अपना भाई समय है गाइस, 2 दिन और बचा हुआ है, रविवार तक ही रहेगा मेला। आप चाहे तो अगर मेरी ब्लॉग देख रहे होंगे तो आ जाइए, पाली का मेला शिव मंदिर के सामने ही लगा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे डिशेस खाने के लिए, खरीदने के लिए बहुत सारी आइटमें हैं यहाँ, और खाने के लिए तो बता ही नहीं सकता, इतनी सारी आइटम है। तो ये फाइनली अपना आ गया गन्ना जूस, तो मैं पीता हूँ, आप देखिए। और अगर गन्ना पीने का मन है तो बिल्कुल आइए मेले पे। गन्ना की गजब भाई, सुन ना, थोड़ा वो नमक डाल दे यार, गजब लगे इसलिए। तो गाइस अब हम चलते हैं घर की तरफ। हेलो, ओ मसाला। मिला वेला घूमना तो हो गया। आई होप आपको कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लग रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना गाइस।
पहले गाइस मेला वेला घूम लिए हम, शॉपिंग वगैरह भी हो गया। आशीष के घर के लिए पर्दा लिए हैं, तो ये तो दिखा नहीं पाया आपको, बाकी इसके घर में लग जाएगा तो फिर दिखाऊंगा, दिखाएंगे। तो फिलहाल अब चलते हैं घर की तरफ और ये वीडियो को मैं करता हूँ यहीं एंड। आई होप आपको बहुत इंजॉय लगा होगा वीडियो, हम लोग तो बहुत ज्यादा इंजॉय किए भी है, जो भी है तो बहुत ही ज्यादा मजा है। अभी भी 3 दिन समय है आपके पास, आप आइए पाली का मेला। अगर कहीं भी आप अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल आइए, बहुत ही मजेदार है। अपने दोस्तों के साथ जरूर आइए, जरूर आइएगा, फैमिली को भी लेके आइए, बिल्कुल आप आइए, आइए और घूमिए फिरिए। तो चलिए फिर हम निकलते हैं अब घर की तरफ और आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी से सो जाइए। तो चलिए फिर मिलता है, तो भैया बाय बाय सुजीत।